नाव के तेगापुर गांव के पास आम के बाग के किनारे टहलते बाघ का वीडियो वायरल होने से लोगों में दहशत फैल गई है। किसान फसल काटने के लिए खेतों में नहीं जा रहे हैं तो वहीं ग्रामीण दहशत के मारे घर में दुबकने को मजबूर हैं। उधर वन विभाग की टीम भी जंगलों में कॉम्बिंग कर बाघ को खोज रही है। बीते 24 घंटे में दूसरी बार बाघ देखा नहीं गया है, लेकिन वन विभाग ने सुरक्षा की दृष्टि से ग्रामीणों से सतर्कता बरतने के लिए कहा है। तो वन विभाग में सतर्क रहने को कहा है। आम के बाग में बाघ टहलता हुआ दिखा दिया है, जिसका वीडियो वायरल होने पर लोग दहशत में हैं, खेतों पर नहीं जा रहे हैं और वन विभाग ने सतर्क रहने को कहा है। व्यक्ति ठेके पे खेत लिए हुए थे, उसी को काट रहे थे। अचानक झाड़ियों में बगीचे में जाते हुए तेंदुआ दिखाई पड़ा। उसका चुपके से दूर से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल किया, जिसको देखते ही गांव में और अगल बगल क्षेत्र में दहशत हो गई, लोगों में चर्चा हो गई, खेतों से अपने घरों को आ गए और दुबक के रह गए। इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई, उनकी टीम आई, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। वाराणसी के बीएचआई में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कुलपति कार्यालय का घेराव किया है। ये कार्यकर्ता बीएचयू से एफिलेटेड सेंट्रल स्कूल में लॉटरी सिस्टम से हो रहे प्रवेश का विरोध कर रहे थे। छात्रों ने कुलपति से लॉटरी सिस्टम समाप्त करने की मांग की और कहा कि सिस्टम से प्रतिभाशाली छात्रों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, इसकी जगह एंट्रेंस एग्जाम करवाने की मांग की गई है। लॉटरी और मेरिट का जो निर्णय लिया गया है, यह एक बड़े तबके के छात्रों के लिए मैं कहूंगा कि हानिकारक है, उनके लिए अच्छा नहीं है। और आज इसीलिए इस निर्णय के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहां धरने पर बैठा है और हमारी मांग है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन इस लॉटरी और मेरिट के सिस्टम को ख़त्म करके पुनः जो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट CHS में एडमिशन के लिए होता था उसको बहाल करे। और बड़ी खबर आपको बता दें, रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना इलाके में पुलिस की गाड़ी और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार छात्र समेत 3 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। वहीं मौके पर पहुंचे लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा। जानकारी के मुताबिक छात्र परीक्षा के बाद बाइक से अपने घर जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर परीक्षा देकर घर लौट रहे थे छात्र। और इस दौरान रायबरेली में यहां पर पुलिस और बाइक सवार जो छात्र थे वो टक्कर हो गई। पुलिस की गाड़ी और बाइक में जोरदार टक्कर हुई है, आप तस्वीर देख सकते हैं। जो घायल पुलिसकर्मी उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाज चल रहा है, और जो छात्र घायल हुए हैं उनको एम्बुलेंस से अस्पताल पहुँचाया गया है रायबरेली के जिला अस्पताल में, और उनका इलाज किया जा रहा है।